अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक से खस्ता सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पीनट बिस्किट, बिल्कुल बेकरी जैसे घर में बनाएंगे, विदाउट बगैर ओवन के हम घर में बनाएंगे बिस्किट, पीनट बिस्किट, बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं ये मज़ेदार से पीनट बिस्किट कैसे बनेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे एक प्यारा सा बॉल, इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ कप के घी। इसे हमने थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया है, थोड़ा सा ये अच्छे से सेट हो गया है, इस तरह का हमें चाहिए। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप के करीब चीनी, शुगर पाउडर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये आपस में मिक्स ना हो जाए अच्छे से, तब तक इसे अच्छे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। बेटर की मदद से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप हैंड की मदद से भी कर सकते हैं। हैंड बेटर से ये होगा कि आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पे ले लेंगे हम 1½ कप के करीब मैदा, साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे और इसकी हम स्मूथ सी डो रेडी करेंगे और एंड में हम इसके अंदर मज़ेदार सी चीज़ ऐड करेंगे जो कि सर्दियों की सौगात है। एक से दो ड्रॉप्स वनीला इसके ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच के करीब दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, इसकी हम करेंगे डो रेडी अच्छे से। बिस्मिल्लाह, पहले स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हाथों की मदद से कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आपको मैदा रह गया वो ऐड करेंगे, मैदा और जो भी हम ड्राई चीज़ इस्तेमाल करें उसे अच्छे के छान से छान के अच्छे से शामिल करनी चाहिए क्योंकि कीड़े मकोड़े अक्सर हर जगह पर पहुंच जाते हैं, तो हमें हर चीज़ ध्यान से अच्छे से देख के इस्तेमाल करनी चाहिए। चलिए तो अब हम इसके अंदर मज़ेदार से चीज़ ऐड करेंगे पीनट, पीनट बिस्किट बना रहे हैं, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, कुछ इसके अंदर बादाम और पिस्ता हमने ऐड किया है, अच्छे से हम कर लेंगे इसको मिक्स। ये बिस्किट तो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। प्लस से डो हमारे यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुकी है, 2 से 3 मिनट से स्टे देंगे तब तक हम ट्रे रेडी कर लेते हैं। माशाल्लाह से डो हमारे यहाँ पे अच्छे सेट हो चुकी है, इसके हम बनाएंगे बिस्किट। आप सांचे की मदद से बना लें या हैंड की मदद से बना लें, दोनों से ही बहुत ज़बरदस्त और टेस्टफुल बनेंगे। इसको साइडों से अच्छे से सेट कर लें। इसे हम यहाँ बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे।
तमाम बिस्किट हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। कितने ज़बरदस्त से इसमें पीनट नज़र आ रही हैं, तो ये अगर मुंह में आए तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और सबके पसंदीदा बिस्किट पीनट के होते हैं। बहुत आसानी से घर में बगैर ओवन के ये बिस्किट रेडी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसी तरह हम तमाम बिस्किट अपने रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से बिस्किट हमारे यहाँ पे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। केक के ऊपर पीनट लगा देंगे, इसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस इसके। इसी तरह हम अपने तमाम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमने पतीले को अच्छे से प्रीहीट कर लिया, पुराना पतीला लिया है, इसको मैंने रख दिया है, उसके दरमियान में अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। अब ट्रे रखेंगे इसके अंदर बिस्किट। चलिए तो हम इसे अच्छे से बेक होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद हम इसे देखेंगे तो माशाल्लाह अच्छे से ये बेक हो चुके होंगे। बिस्किट हमारे माशाल्लाह से अच्छे से बेक हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह, हम उनकी हल्की हल्की साइड से रन करेंगे ताकि नीचे से भी हल्का सा कलर अच्छे से आ जाए, गोल्डन कलर। माशाल्लाह कितने खस्ता से हमारे बिस्किट पीनट बिस्किट रेडी हो चुके हैं। हल्के हल्के ये बिल्कुल नरम है, जब हम इसे थोड़ी देर बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल खस्ता से हो जाएंगे। उसे 3 सेकंड हम इसे इसी तरह रखेंगे उल्टा ताकि नीचे से भी अच्छे से कलर आ जाए और ऊपर से कवर कर देंगे अच्छे से। माशाल्लाह से कलर अब अच्छे से आ चुका है। अब इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और हम इन्हें निकालते जाएंगे ट्रे में। और आपको इसी तरह हम तमाम बिस्किट रेडी कर लेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से बिस्किट बनके रेडी हो चुके हैं पीनट बिस्किट, बिल्कुल बाजार जैसे, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खस्ता। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और टेस्टी से हमारे टेस्टी से बिस्किट बनके रेडी हो चुके हैं, वो भी बग़ैर ओवन के। आप घर में ही बेकरी स्टाइल में बिस्किट रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।